another question, I would say a single star category. 1 minus tan x over 1 plus tan x. अब इस क्वेश्चन को हम दो डिफरेंट अप्रोच से कर सकते हैं. मेथड वन आपके सामने रख रहा हूं. क्या मैं tan x को लिख सकता हूं sin x over cos x? आई होप दिस इज ओके. यहां पे अगर हम एलसीएम ले भाई तो क्या बनेगा, cos x माइनस sin x ओवर cos x प्लस cos x कट जाएंगे. तो ये मेरे पास इंटीग्रल बन गया cos x माइनस sin x ओवर cos x प्लस sin x. दिक्कत. अब एक फंक्शन dx के साथ मल्टीप्लाइड है और एक नीचे है, तो t कौन होना चाहिए, नीचे वाला. अब क्रॉस चेक कर लो, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x है, sin x का डेरिवेटिव बिल्कुल है. तो आपके सामने टेक्निकली समझो, ये मेरा t बन गया और ये मेरा क्या बन गया, dt. यस और नो? तो 1 अपॉन t फॉर्म का आंसर क्या होता है? तो मैं सीधा आंसर लिख सकता हूं ln ऑफ cos x प्लस sin x प्लस c. पर ऑब्जेक्टिव है तो यहां तक ऐसे कर लो, वरना सब्जेक्टिव है तो आपको शो करनी पड़ेगी सब्स्टिट्यूशन. वो कैसे करोगे, इस स्टेप के बाद पुट t इज इक्वल टू cos x प्लस sin x. dt क्या बना, cos x का डेरिवेटिव प्लस, और क्या ये मेरा न्यूमिनेटर नहीं है, तो मेरा i क्या बन गया बेटा, i बन गया मेरे पास dt अपॉन t. तो व्हाट इज द आंसर, log t. और log t का आंसर बेटा log cos x प्लस. इज दैट क्लियर? मेथड वन क्लियर आ गया. अब हम अक्सर बात करते हैं इंटीग्रेशन में एक से ज्यादा रिजल्ट आ सकते हैं. मेथड टू समझिए, क्वेश्चन है 1 माइनस टेन एक्स ओवर 1 प्लस टेन एक्स. श्रेया ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, सॉरी वो 1 माइनस टेन स्क्वायर होता है, टेन ब्यूटीफुल. ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही सीखोगे. रोज सोचो कौन से फॉर्मूले हैं. ये फॉर्मूला है टेन पाई बाय 4 माइनस एक्स का. लग गया श्योर? टेन थीटा की इंटीग्रेशन एलएन ऑफ सीकेंट. श्योर? तो एलएन ऑफ सीकेंट ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स. चला बोलो. अब पाई बाय 4 माइनस एक्स अकेला एक्स नहीं है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस वन. तो माइनस वन से क्या हो जाएगा, प्लस सी. दैट्स माय आंसर. अब देखो ये आंसर और ये आंसर दूर दूर तक मैच नहीं कर रहे, पर दोनों करेक्ट है. अंडरस्टैंडेबल? करिए नोट.